अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हूँ? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का फजल है, करम है, शुक्र है, और आप दोस्तों की दुआ है। तो सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बजे है, सुबह तो नहीं है, लेकिन फिर भी धूप का इंतज़ार करते हैं कि धूप निकल आए। तो हम अपने बकरियों को खोल लेते हैं, और साथ में मैं लाया हूँ ये बाजरा है। तो सबसे पहले अजवा और गमजम और मुर्गियों को खोलने से पहले ये बाजरा जो है ये सेफ करते हैं, और ये रोटी भी बनाई है अपनी मुर्गियों के लिए। तो बाजरा इस वाले बाल्टी में डालते हैं ताकि ये सेफ हो जाए। और ये माशाल्लाह 200 रुपए का बाजरा है, ये मार्केट से लाया हूँ। मार्केट में अच्छा होता है, सस्ता होता है मुर्गियों का मार्केट जो है वहाँ से। तो बर्ड मार्केट से लाया हूँ, और ये अभी डालते हैं इसमें, और फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं जी। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह ये बाल्टी इससे भर गई, और ये तकरीबन 2 केजी तकरीबन होगा या 3 केजी होगा। तो ये भी बंद करते हैं और जाते हैं अचवा जमजम और मुर्गियों को खोलते हैं, और फिर ये बाजरा डालते हैं अपने बजीस को और अपने मुर्गियों को। और माशाल्लाह धूप निकली है, ये देखिए जी मैना जा रही है, तो धूप निकली है, ज़बरदस्त धूप आई है, ज़बरदस्त। तो अभी खोलते हैं अपने फ्रेंड्स को ताकि वो बाहर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ, शाबाश। गुड मॉर्निंग। और ये देखिए जी, ये वाली कबूतर ये यहाँ से निकलती हैं, इस वाली जगह से निकली हैं और यहाँ आई हैं। तो इसको यहाँ से वापस अंदर डालते हैं, बल्कि इसको छोड़ते हैं यहाँ पर ताकि यहाँ पर घूमे फिरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो जगह है इसको बंद करेंगे, क्योंकि ये कबूतर जो है ये यहाँ से निकलती हैं। शाबाश बाहर जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, बाहर जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, बस बाहर जाओ। तो माशाल्लाह सारे मुर्गियों को और अजू और जमजम को खोल दिए, और ये देख लीजिए इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि ये जो मुर्गियाँ हैं ना इससे बिल्कुल सब्र भी नहीं होती। ये देखो अब ये आ रही है असील मुर्गी, जमजम गलत। तो रोटी को मैंने यहाँ पर रख दिए, तो ये टाली है जी पर्दा, क्योंकि धूप बहुत ज़बरदस्त निकली है, तो धूप इनके लिए अच्छा है। वाह जी वाह, हमारे अगुड़ को देखो, हमारे अगुड़ ने छलांगे मारने शुरू कर दिए। अगुड़ वो सामने अगुड़ है जी, और ये बगड़ू, ये बगड़ू है वो सामने अगड़ू है, और ये कोई चलांगे मार रहा है माशाल्लाह। तो इनके लिए बाजरे का भी बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि बाजरा तो वैसे भी लाया हूँ, सिर्फ डालने का बंदोबस्त है। ये कैसे हो भाई? अब इसको देखो, कहानी मुर्गी को देखो बेहतर। अच्छा तो फ्रेंड्स ये वाला जो मटका है इसमें अंडे हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बच्चे देगी, और सामने वाले मक्के में भी बजी देते हैं, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। तो ज़रा इनके लिए अभी रोटी डालते हैं, ये जो हमारी मुर्गियाँ हैं। खाओ शाबाश शाबाश, खाओ ताकि इनके पेट भर जाए। आप तो ये इसलिए इनको डालते हैं ताकि सुबह के टाइम का पेट भर जाए, फिर बाद में जो घर में बचा हुआ सालन हो, रोटी हो, तो वो इनको डालते हैं। तो माशाल्लाह जी सारे मुर्गियाँ और अजू और जमजम को सुबह सुबह टाइम वो रोटी मिल गई, और अभी इंशाल्लाह बाजरा भी डालेंगे अपने कबूतरों को और अपने बजीस को। तो जाते हैं जी और कबूतर ज़रा खोलते हैं, और उसको बाजरा माजरा डालते हैं ताकि वो बाजरा खाए। तो कबूतरों को खोलते हैं,
और देखते हैं कि उसके गेज में बाज रहे हैं या नहीं है, और फिर उसी हिसाब से फिर काम करते हैं। तो ये दरवाज़ा बंद करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, ये देखो जी, बाजरे वाला बोल भी गिरा दिए, और मेल कबूतर तो यहाँ है, फीमेल कहाँ गई? खैर खैर, फीमेल कबूतर कहाँ गई? एक तो ये है हमारी फीमेल, दूसरी फीमेल यही है जी, फीमेल कबूतर भी आ गई हैं। और आज मैं ये चाहता हूँ कि आज इनको बाहर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये कल भी भाग गई थी। तो इस तरह करते हैं कि इसको अंदर ही बाजरा डालते हैं, और ये वाला जो जगह है ये सेफ करते हैं आज, ताकि ये बाहर नहीं निकले। तो इसको वापस बंद करते हैं और इसको बाजरा डालते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो कबूतर हैं हमारे ये चले जाएं और फिर हमें पछतावा हो, तो इसीलिए इसको बाहर छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो जी, तो फ्रेंड्स, बाजरा डाल दिए अपने कबूतरों को, और हमारे कबूतर अंदर हैं दोनों, तो अभी इनको भी बाजरा मिल गया, और पानी भी डालेंगे इनके लिए। और ये वाला जो कबूतर है ये भी पकड़ते हैं, अरे किधर गए, और इसको भी अंदर ले जाते हैं। तो ये पकड़ लिए जी, और इनको भी अंदर छोड़ते हैं। जो शाबाश, फिलहाल हम इसको बंद करते हैं और पानी भी इसके लिए डालेंगे। तो ये बंद किया है जी, अभी उठाते हैं। तो अभी उठाते हैं बजिस से बाउल, ताकि बजिस को भी बाजरा मिल जाए और वो भी पेट भर कर बाजरा खाएँ। तो ये जी बाजरे का बाउल है, और वो सामने हमारे अगड़ू बगड़ू बैठे हुए हैं। तो इसके लिए आज इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज मिट्टी भी ले आएँ, क्योंकि ये मिट्टी में खुश होते हैं, थोड़ा सा मिट्टी अंदर डाल देंगे इनके लिए, तो ये इसमें मस्तियाँ करेंगे। तो वैसे आप लोग भी बताएंगे कि अगड़ू बगड़ू नाम कैसा लगा आप दोस्तों को, तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगड़ू बगड़ू नाम कैसा है, और कैसे होगी आप ठीक को आप लोगों के लिए बाजरा लेके आता हूँ, ठीक है? तो बाजरा कहाँ गया बोल, ये बाउल है, तो इसमें अभी डालते हैं अपने बगीचे के लिए बाजरा। तो अज और जमजम को इसलिए बाहर छोड़ते हैं क्योंकि ये हमें तंग करते हैं, और जब तक हम बगीचे से और दूसरे कबूतर वगैरह से फारिग ना हो, तो ये बाहर ही रहेंगे। जब इनसे फारिग हो जाए तो फिर इनके लिए भूसा बनाते हैं, और ये फिर भूसा खाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बाजरा बजिस का है, तो माशाल्लाह बजिस के लिए भी बाजरा डाल दिए जी, और ये वाला इसको बाल्टी जो है इसको भी अंदर रखते हैं, ताकि ये हमारे बच्चे मच्छे जो हैं वो गिराए नहीं। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया जी, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही। अभी डालते हैं अपनी बजिस को ये वाला बाजरा। कैसे हो बगड़ू, बगड़ू कैसे हो? ये काटता भी है, ये जो बगड़ू है ये काटता भी है। उषा बस बाजरा खाओ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सारे वो आ गए, और अगड़ू बगड़ू बाजरे के दरमियान बैठे हुए और बाजरा खा रहे हैं। बाकी सारे भी आ गए हैं जो बजीज वगैरह हैं, तो इनकी फ्रेंडशिप हो गई है जी, और अभी कोई मसला नहीं है, एक दूसरे को ये कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगड़ू बगड़ू भी शरीफ हैं और बजीज तो वैसे भी मासूम हैं, वो तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है। शाबाश खाओ। तो अभी बारी है जी, मुर्गियों को बाजरा भी डाल दिया था, सॉरी रोटी, और कबूतरों को बाजरा डाल दिए, और बजीस को,
और ये देखिए जी हमारे मनकूल की पूंछ को देखिए जी, माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत हो गया है हमारा मनकूल। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। सब दोस्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। ये देखिए जी हमारा मनकूल जी माशाल्लाह सुभानअल्लाह। तो बनाते हैं अभी अपने अजवा और जमजम के लिए भूसा जी। अच्छा तो फ्रेंड्स, तो माशाल्लाह हमारे कबूतर भी बाहर आ गए हैं और इसको बाहर छोड़ दिए ताकि ये बाहर ज़रा घूमे फिरे और इसके परमर खुल जाए। तो कोशिश करेंगे फिर इसको आराम आराम से बंद करेंगे। ये मुर्गी इसको तंग करते हैं तो इसको ज़रा बाहर निकालते हैं मुर्गी को। बाहर जाओ शाबाश शाबाश बाहर जाओ। तो मुर्गियाँ इसको तंग करती हैं तो इसलिए मुर्गियों को नहीं छोड़ेंगे अंदर, क्योंकि फिर हमारे कबूतर कल भी उड़ गए थे और आज फिर उड़ सकते हैं अगर हमने मुर्गियों को बाहर छोड़ दिया। तो वो देखिए जी नर ऊपर बैठा हुआ है और मादी दोनों मादियाँ नीचे हैं। ये देखो आ गए नीचे माशाल्लाह। अच्छा तो फ्रेंड्स, तो थोड़ी सफाई करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है, तो सफाई करते हैं और उसके बाद अपने हजवा और जमजम के लिए भूसा भी बनाते हैं। तो पहले सफाई करते हैं अंदर गेट की और बाहर की भी, तो फिर उसके बाद भूसा बनाते हैं इंशाल्लाह। तो झाड़ू यहाँ पर पड़ी है तो ये उठाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह सफाई हो जाए तो जगह फिर बहुत अच्छी लगती है और फिर ज़्यादा गंद नहीं होता है, तो इसलिए दिन में एक बार ज़रूर सफाई करनी चाहिए। अच्छा तो फ्रेंड्स, तो माशाल्लाह अंदर गेट की सफाई हो गई और सारा गेट साफ़ सुथरा हो गया। और ये देखिए जी, इसलिए मैं कबूतरों को नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो ऊपर गई हैं। तो खैर वो आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो सफाई कर दिए और अभी ये उठाते हैं ये वाला गन। वो देखो जी वो फीमेल वहाँ पर बैठ गई, तो इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि कल भी ये यहाँ बैठी थी और फिर वहाँ गई है और फिर वहाँ से नीचे आई थी। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इनको आदत हो गई है, उम्मीद है कि ये आ जाएगी, कोई मसला नहीं। तो अभी ये गन उठाते हैं और फिर ये बाहर वाला गन भी साफ़ करते हैं और ये भी उठाते हैं और फिर अजोर जमजम के लिए भूसा बनाते हैं। अच्छा तो फ्रेंड, तो बाहर जगह की भी सफाई हो गई और अंदर जगह की भी सफाई हो गई। और वो देखिए जी हमारे कबूतरों की हरकतें चेक करें कहाँ गई हैं जी। वो जो कमज़ोर था माजी वो भी ऊपर गई हैं और नर और माजी तीनों ऊपर हैं जी, फेंटी के ऊपर वो देखो बैठे हैं। तो खैर अगर आ जाए तो इसको पकड़ लेंगे, अगर नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे भी हम यहाँ पर एक जो गेज बनाते हैं तो इसलिए इनको इनके परमर मैंने नहीं काटे ताकि वो गेज में फिर इनके लिए उड़ने का मसला ना हो, क्योंकि हमारे गेज की जो लेंथ है वो इस दीवार से लेकर उस दीवार तक है, तो ये काफ़ी बड़ी लेंथ है। तो ये यहाँ से तकरीबन 20 फुट का फासला है, तो ये इसके अंदर ही फिर फ्लाइंग करेगी और अगर मैंने इसके पर काट लिया खुदा ना खास्ता तो ये फिर फ्लाइंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इनके पर नहीं काटे। अच्छा क्या मसला है जी, बोलो बोलो ना। तो अदीना और महमूदुल हसन जो हैं वो गपशप लगाते हैं मेरे साथ और ये झाड़ू और स्कोप उठाते हैं जी और इसको अंदर रखते हैं। तो कबूतरों को इसलिए छोड़ था भी नहीं था आज, लेकिन फिर भी मैंने उन पर तरस कही कि खैर उनको छोड़ देते हैं। जब छोड़ दिया तो ये हशर है कि वो ऊपर गई हैं जी। खैर अच्छा तो फ्रेंड्स, तो ये भूसा डाल दिया है और अभी इसको बनाते हैं और पानी भी लेके आए हैं, तो भूसा बनाते हैं और फिर अपने हजवा और जमजम को डालते हैं इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा तो फ्रेंड्स, तो भूसा बना दिए और अभी बुलाते हैं हजवा और जमजम को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश जमजम, आ जाओ जमजम आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। तो माशाल्लाह भूसा खाने के लिए हमारे बकरी आ गई और ये देखिए जी ये हमारे कबूतर क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नीचे आ रही थी लेकिन ऊपर गई, वो फीमेल वहाँ दीवार पर
लटकी हुई हैं। अल्लाह खैर, चलो अच्छा हो गया। तो दोनों आ गई हैं जी, अभी ये खाएंगी भूसा और हम फिलहाल ये चीज़ें सेव करते हैं। और तो इसको सेव करते हैं जी, तो ये हो गए सेव और इस पर ये वाला लगन डालते हैं और अपने कबूतरों को पानी भी डालते हैं इस वाले बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी पानी भी आ गया कबूतरों के लिए। जमजम आ जाओ, शाबाश भूसा खाओ, शाबाश अंदर जाओ, भूसा खाओ, शाबाश भूसा खाओ, खाओ ना। अच्छा तो फ्रेंड्स, तो मैंने अपने कबूतरों को बाजरा डाला हुआ था, तो उसके पीछे सारी मुर्गियाँ आ गई जी, और हमारी अजवा और जमजम दोनों उन्होंने भी उस भूसा खाना छोड़ दिया है और खाने लगी हैं कबूतरों का बाजरा। तो कबूतर फ़िलहाल वहाँ उस शेड पर बैठी हुई हैं। एक का सर आप दोस्तों को दिखता होगा, ये देखिए जी, और तीनों वहाँ पर गई हैं। दो तीन मरतबा नीचे आ भी गई, लेकिन जो मुर्गियाँ हैं तो इन बेगैरतों की वजह से मैं नहीं पकड़ सका तो तका दिए। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो खुद ब खुद आ जाएगी और फिर उसको बंद कर देंगे। तो इंशाल्लाह वो आती हैं, घर की पहचान उसको हो गई है। तो जब तक घर की पहचान परिंदे को हो जाए तो फिर मसला कोई नहीं होता है। तो इंशाल्लाह वो आ जाएगी और फिर हम इनको बंद कर देंगे। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद नहीं है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल इरशाद/91 को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों का, परिंदों का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, ये कामयाबी का राज। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।